खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। पहले तो ये सोच रहा था कि मैं वैलेंटाइंस डे के दिन अवार्ड शो कैसे हो सकता है, बट आ गया तो अच्छा लग रहा है। एंड यस, वैलेंटाइंस डे तो अपने मम्मी के साथ मनाऊं मैं तो अच्छा रहेगा। वैसे आई डोंट बिलीव इन यू नो वैलेंटाइंस एंड ऑल, बढ़िया अच्छा अगर प्यार का दिन है तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। मैंने मम्मी को सुबह ही पूछ लिया कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। कभी दोस्तों ने कहीं कहा हो वैलेंटाइन डे के, कहीं गए हो, बहुत सारी यादें। ऐसे मुझे वैलेंटाइंस डे के दिन लोगों को छेड़ना बहुत पसंद था। जो भी कपल बैठे होते थे मैं पीछे से बोलता था तेरी मम्मी का नाम, और भाषा लड़कियाँ यूं 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 लड़के ऐसे करते। वो सबसे पहले तो दुष्यंत जी को बधाई 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 और बधाई बधाई, पांच छह चीज़ों के लिए इकट्ठी बधाई मैंने दे दी। दुष्यंत जी बेसिकली मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, बहुत सालों से दुष्यंत जी से मेरी जान पहचान है। जब ये पहला अवार्ड हुआ था तब भी मैं आया था और मुझे अवार्ड मिला था। अब मुझे ज्यूरी का मेंबर बनाया गया है तो हर साल इस अवार्ड से मेरा संबंध बना रहता है, मैं आता हूँ। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो दुष्यंत जी ने जो अवार्ड जो रखा है बहुत यूनिक किस्म का अवार्ड है, बहुत प्यारा अवार्ड है। बहुत प्यारा इसलिए है कि जैसे आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में से लोगों को लेते हैं, ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं, म्यूज़िक से रिलेटेड, फिल्मों से रिलेटेड, राइटर, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, समाज सेवक, पॉलिटिशियंस ना, ज्योतिष, हर तरह से, मतलब हर तरह के लोगों को बुलाकर सम्मानित करते हैं, अवार्ड देते हैं। बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। और दूसरी बात, दुष्यंत भाई क्या बेसिकली बहुत जुझारू किस्म के इंसान हैं, मैं इनको वन मैन आर्मी कहता हूँ। ये सब कुछ करते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, अभिनय भी किया फिल्म में हैं और फिल्म बनाई, और बहुत कम समय में, बहुत कम बजट में बहुत अच्छी फिल्म बनाई। तो उस फिल्म के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फिल्म का मैं भी हिस्सा होने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका, डेट की प्रॉब्लम हो गई थी। कोई बात नहीं, अगली फिल्म करूंगा और एक क्या बहुत सारी फिल्में करूंगा दुष्यंत भाई के साथ। वैलेंटाइन डे है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और ये अवार्ड मिला है मुझे टॉप 50 इंडियन आइकन, सॉरी टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स। सो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी दुष्यंत जी को फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। एंड बेसिकली मेरी फिल्म आ रही है ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स, और उस फिल्म में मेरे साथ में कृष्णा हैं,
जयराम कार्तिक हैं, कृष्णा अभिषेक और अनुस्मृति सरकार हैं, अखिलेंद्र मिश्रा और जिमी मोसेस और मेलिसा पेस, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। और मैं गुजारिश करती हूँ कि सब लोग मेरी फिल्म 28 फरवरी 2020 को रिलीज़ हो रही है, तो सब लोग मेरी फिल्म देखें। और थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो दुष्यंत कॉर्पोरेशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस लायक समझा कि टॉप 50 2019 में मेरा नाम शामिल किया। कुछ काम हमारे पुराने हैं, जैसे हम मीडिया बंधु हैं तो हम भी मीडिया का एक हिस्सा रहे हैं, साथ में SNPR बहुत काम किया, इवेंट्स बहुत किए हैं, तो उस इवेंट और PR के जो काम हमारे ये हुए थे उनको इन्होंने सराहा, उन्होंने देखा समझा कि इस लायक हैं कि आपको इस अवार्ड के लिए बुलाया गया। तो मैं दुष्यंत कॉर्पोरेशन को, दुष्यंत जी को, मेरी फ्रेंड दिव्या जिन्होंने इस लायक मुझे समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे इस अवार्ड के लिए इतना सपोर्ट किया। मेरे पुराने दिनों में जब मैं PR रहा हूँ, PR किया है, इतने इवेंट्स किए, तो आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं, मेरे साथ काम किया है, मेरी न्यूज़ को बहुत सराहा है, मेरी न्यूज़ को बहुत आगे तक ले गए हैं। तो उसी का नतीजा है कि आज मैं इस अवार्ड के लिए हूँ, तो मेरे साथ आप सब भी इस अवार्ड में शामिल हैं। देखिए, भारत देश नहीं संदेश है, और पूरी मानवता का जो संदेश भारत का मूल रूप से है वो सभी के सभी में प्रेम का बांटना, प्रेम का देना। और दुष्यंत जी जो कर रहे हैं निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कार्य है, और जिस प्रकार से प्रतिभाओं को सम्मान कर रहे हैं, प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं, यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। पुलवामा के शहीदों को हम अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और यह संकल्प व्यक्त करते हैं हर नागरिक, हर व्यक्ति तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक इस धरती पर आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। टॉप 50 आइकन्स ऑफ इंडिया, उसमें समीर सैन परिवार को अवार्ड दिया गया, बहुत खुशी की बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू दुष्यंत जी, आपने इस लायक हमको समझा, और आप जो ये काम कर रहे हैं इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, गो ऑन मैन, टेक केयर। टॉप 50 आइकॉन अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुश हूँ। अपने काम के लिए जब प्रोत्साहन मिलता है तो और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और एनर्जी मिलती है कि अच्छा काम करें। सो थैंक यू सो मच दुष्यंत कॉर्पोरेशन और आप सभी जूरी मेंबर्स का जिन्होंने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। जी जी नहीं, वैलेंटाइन डे प्यार का दिन, तो प्रेम दिवस तो मुझे लगता है हर दिन होता है, वो तो हम चलिए एक दिन मना लेते हैं, जैसे हर दिन नया जन्म होता है, नया हम बर्थडे तो एक ही दिन मनाते हैं, बट ये प्रेम दिवस है। ढेर सारा प्यार लोगों के बीच रहे, लोग हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और भाभी जी देखते रहिए, उससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। भाभी भी अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बस का, बिकॉज ये अवार्ड जो है वो 50 ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने अपने अच्छे काम का स्टार्ट किया है अभी, तो मैंने सोचा चलो हमारे फिल्म का एक प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पे, जो इतने सारे लोग आ रहे हैं और हमने ऐसा कोई जगह छोड़ा नहीं है जहाँ पे फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ है, तो ये कैसे छोड़ देते। अवार्ड के बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये मतलब ऐसे अवार्ड होने चाहिए जो कि आप वो बोलते हैं ना कि जब कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसको रिजल्ट दिया जाता है कि नहीं, उसको मोटिवेट किया जाता है कि तुमने कितना अच्छा किया, तो वैसे ही अवार्ड है। कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी इंसान हो, डॉक्टर भी, जितने लोगों को अवार्ड मिल रहा है चिकित्सा क्षेत्र से जो भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है आगे करने को, और इतने लोगों के बीच में जब सम्मानित करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो जब आप मोटिवेशन मिलता है लोगों को, तो हमारे इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया हो या कोई भी जगह हो, उनको और अच्छा करने का, और उसमें हमारे एक इंडिया का नाम भी है, जो हमारे इंडिया से लोग जो बाहर काम कर रहे हैं तो वो नाम अपना पैदा किया है उन्होंने, तो उनको सम्मानित करना बहुत अच्छी बात है। इंडियन डे तो प्रेम दिवस है, और इस दिन पे हमें इतने अच्छे अच्छे लोगों का सम्मान करने का मौका मिला, तो मेरे ख्याल से इस दिन की इससे और अच्छा एंटरटेन नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आनंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ ब्लेसिंग्स रहती हैं, और इनकी छत्रछाया में बड़ा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ।
So I'm done happy. 50 में हम लोग ये इंडिविजुअल्स लोगों को अवार्ड करते हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो काम किया होता है, तो कैटेगरी वाइज तो जो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में हम उनका सम्मान करते हैं। मैंने देखा पत्रकार भी थे, समाज सेवक भी थे, सारे हम लोग कॉरपोरेट हुए, पत्रकार जगत से हुए, लेखन से हुए, एंटरटेनमेंट से हुए, तो कोशिश करते हैं कि जिस क्षेत्र में जिन लोगों से मुलाकात हो, जो समाज के सामने एक नज़ीर पेश करते हैं, उनको हम सम्मान दे सकें, चाहे वो नए हो, उभरते हुए या इस्टैब्लिश्ड हो। क्या चेंजेस पाए 4 साल में, क्या चेंजेस किए, कुछ कोई चेंज नहीं, लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, आप सबका प्यार बढ़ता जा रहा है। पहले मैं देखता था पहले सीजन में 3-4 ही जर्नलिस्ट आए थे और अब इतने सारे बॉस लोग आते हैं तो बड़ी खुशी होती है हम लोग। अच्छा, फिल्म रिलीज होने वाली एक हफ्ते बाद एक्साइटमेंट में है अंदर? हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ अंदर ही अंदर, पर ऊपर से हंस रहा हूँ सबके सामने, और मुझे लग रहा है पता नहीं 21 को क्या होगा, बट मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे अब तक ईश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही है, ये फिल्म भी बनना अपने आप एक मिरेकल है, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस के लिए होगा, बिकॉज आई एम नॉट कैपेबल टू डायरेक्ट एनी फिल्म और किसी भी को रिलीज़ करना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कैलिबर था, बट वो हो रहा है, तो शायद कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, और हमारे साथ जो हमारे जो बॉस लोग हैं इंडस्ट्री के वो खड़े रहते हैं, तो ये उनके नाम का ही फल। सर गाजियाबाद में जो हमला जो बात हो रही है फिल्म बैन करने की, कह रहे कि बैन कर देंगे, मेरी फिल्म में कुछ ऐसा है ही नहीं, और अभी तक मेरे पास कोई किसी का फोन आया नहीं, मीडिया में सारे पेपरों में न्यूज़ हैं कि 100 बक्स के खिलाफ प्रदर्शन हुए, सारे बड़े पेपर में, सारे चैनल्स में, बट मेरे पास अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं, तो मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दूँ, मेरे मतलब समझ से बाहर की बात है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ ये ऐसी फिल्म है, आप अपनी मम्मा के साथ, आप अपनी सिस्टर के साथ, आप अपनी बिटिया के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। पोस्टर फाड़े गए हैं और नारे लगे गए हैं, एक गंदी गाली गलौज वगैरह फिल्म में? नहीं, गाली गलौज नहीं, एक्चुअली मैंने, क्योंकि फिल्म टैबूज पे आधारित है, बट सेंसर कराते समय जो जो उनकी गाइडलाइन है हमने उनका पालन किया, और मैं कोई भी ऐसा ऑफबीट सब्जेक्ट नहीं बनाता, मेरी बिटिया के एल्बम पे है ये, और श्रीलंका के जो अभी प्रधानमंत्री हिज एक्सलेंसी महिंदा राजापक्षा, उन्होंने फिल्म का पोस्टर रिलीज किया, तो मैं ऐसा कोई काम क्यों करूँगा कि ऐसी आनंद जी जैसी शख्सियत, कितने हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे खड़े रहना तो दूर, मुझे अपने पास बुलाएंगे नहीं ये लोग, तो ये सब जो चीज़ें वो हमारी समाज से बाहर की बात है। 4 साल से कर रहे हैं, और मेरा छोटा भाई रिक्शन भाई, ये अवार्ड पिछले 4 साल से इस्कॉन में ही हो रहा है, कृष्ण की भूमि में हो रहा है, कृष्ण ने जो प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया था वही काम दुष्यंत कर रहा है, दुष्यंत भी प्रेम का संदेश सब दुनिया में फैला रहे हैं, उनके प्रेम से सब लोग यहाँ आ जाते हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन 4 साल से 50 लोगों के मंच पे लिया ना, मतलब 50 लोगों का अवार्ड देना साहब बहुत बड़ी है, 4 साल में 200 लोगों को अवार्ड दिया है, बहुत बड़ी बात है कि आपने 200 लोग समाज से निकाले हैं, जो अलग अलग विधाओं में जिन्होंने एक्सेल किया है वो खोज के निकाला है, उनको बॉम्बे बुलाना, उनको रखना, उनको अवार्ड देना, उनका मान सम्मान करना, इससे बड़ी बात क्या। फिल्म भी आ रही है, ये है मुंबई मेरी जान, दैट्स अ नाइस सॉन्ग, तो मुंबई में अभी देखा फिल्म, इंटरेस्टिंग लग रही है, ऊपर जो फिल्म रिलीज करेंगे दूसरी जो लोगों को बुलाएंगे। इट्स अमेजिंग फीलिंग, किसी भी अवार्ड को मिलना ऐसा लगता है कि आपको प्रोत्साहन है कि आप थोड़ा और कुछ कर सकते हो, कुछ और ज़्यादा कर सकते हो, तो ये प्रोत्साहित करता है हमें कुछ और एक्स्ट्रा करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए। जैसे मुझे बहुत सारे कैटेगरीज में मिला है, बिकॉज आई बिलीव इन डूइंग ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन डू टिल यू आर लिविंग, बिकॉज हम लोग जब तक जी रहे हैं तब तक सीखें तो ज़्यादा बेटर है, तो हम जी रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं जी रहे हैं, सो सीखते रहिए, ये मैं कहूँगी। तो ये पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, तो इसको ऊपर और आगे बढ़ना है, तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज वैलेंटाइन के दिन मैं इस अवार्ड को प्रेम का प्रतीक मानता हूँ, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दिन मिला है, और दूसरी बात दुष्यंत कॉरपोरेशन का, वाकई ये बहुत अच्छा कॉरपोरेशन चल रहा है, अपने आप में एक कॉरपोरेशन मूवमेंट है, और मैं चाहता हूँ वो जैसे इन 4 साल कॉरपोरेट किए हैं ऐसी कॉरपोरेट करते रहे। सबसे हमारे यहाँ बहुत बहुत अनगिनत महानुभव कलाकार है, और ऐसे ही वो सबको देते रहे, और वाकई ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा लगता है जैसे अपनों से ही अपने को अवार्ड मिला है, तो वाकई मैं खुशी के मारे कर्तव्य हो चुका हूँ। जब से ये इंडियन टॉप 15 अवार्ड जो शुरू हुआ है दूसरे में, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे ये अवार्ड आई थिंक 3 से 4 बार मिल चुका है, और आज वैलेंटाइन डे स्पेशल डे है, तो हर एक को उसकी शुभकामना है, और एक्चुअल में मैं आज वैलेंटाइन डे मना ही ना पा रहा हूँ, ओवर ऑक्यूपाइड हूँ बिजनेस में, प्लस मेरे विजिटर्स बहुत बारगन से आए, और मैं अभी शादी में भी जाना है, अवार्ड भी है, 2-3 इवेंट्स भी है, तो फिर रात को जाके मैं मेरी वाइफ के साथ वैलेंटाइन डे मनाने वाला हूँ, तो
फोर्थ सीजन है हमारे टॉप 15 इंडियन आइकन अवार्ड का, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हर बार बहुत ही सफलता के साथ और बहुत खूबसूरती से ये अवार्ड अपने सफलता के सोपान चढ़ता जा रहा है, और निश्चित ही आज का सीजन बहुत ही अच्छा था। इसमें ऐसे कुछ चुनिंदा 50 लोग हम लोग देश भर से चुनते हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, जो अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं और अपने कार्यों से लोगों का दिल जीतते हैं, उनका कार्य निश्चित ही प्रशंसनीय होता है, साथ ही अनुकरणीय भी होता है। लोग उनको अपना मेंटर मानते हैं, उनको ये मानते हैं कि ये हम भी इनकी तरफ बने। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि इसमें बहुत सच्चा प्रयास करें और सच में जो हकदार है इस अवार्ड के, उनको ही देश भर से चुनकर लाएँ और आज उनको सम्मानित किया जाए। वैलेंटाइन डे भी है जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। ये सौभाग्य की बात है कि आज प्रेम दिवस के अवसर पर हमारा ये अवार्ड हो रहा है। ये भी हमारा उन लोगों के प्रति एक प्रेम ही है। प्रेम के कई तरीके होते हैं प्रेम दर्शाने के, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 14 फरवरी के दिन हम ये अवार्ड कर रहे हैं। या ऑफकोर्स आज वैलेंटाइंस डे है, प्लस आज शहीद दिवस भी है। सो टॉप 15 आइकन अवार्ड्स आज हुआ, इट्स अ रियली प्लेजर कि आज के दिन हुआ, बिकॉज हमें एक उन्हें रिस्पेक्ट करने का भी मौका मिला। प्लस ये फोर्थ सीजन है हमारे अवार्ड्स का, तो आई एम रियली हैप्पी। एंड मेन मैं इसीलिए हैप्पी हूँ क्योंकि मेरी बुक पे जो मूवी आ रही है द 100 बक्स, उसका आज प्रमोशन हुआ है। एंड क्योंकि मैंने वो लिखी है, तो मेरी बुक का लॉन्च हो रहा है 16 फरवरी को, और हमारी मूवी आ रही है 21 फरवरी को। आई रियली वांट आप सब लोग देखें, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मेरी जो बुक है उसमें एक मैंने एक बहुत सेंसिटिव से हमारे वर्क को छूने की कोशिश करी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ऊपर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लड़कियों का एम्पावरमेंट की बात करते हैं बट उन्हें सच में नहीं सपोर्ट करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। तो हमें लड़कियों के हर क्षेत्र को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ऊपर लाना चाहिए। तो मेरी बुक भी उसी के ऊपर है कि हाँ, हम लड़की को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आपने बुक लिखी है, दंगे वगैरह हो रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, फिल्म को बैन करने की बात हो रही है? हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि जब बोलना होता है तो वो लोग ज़रूर वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, बट जब पॉइंट आता है कि हाँ, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी और औरतें हैं जो अभी तक ऊपर नहीं आई हैं, और जब उनको ऊपर लाने का मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं, दंगे करते हैं, हम उनको अपोज करते हैं। तो इसीलिए ये तो बहुत आयरोनिकल है कि हम सपोर्ट करने के बजाय हम उस चीज़ को रोक रहे हैं। तो आई रियली डोंट केयर अबाउट देम। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, इसलिए कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज उन्होंने ये अवार्ड मुझे दिया। अवार्ड पाने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप अपना कार्य और बेहतर तरीके से करें। किस कैटेगरी में मिले आपको ये कविता के क्षेत्र में मुझे मिला है। हाँ बिल्कुल, आज जैसा कि प्रेम दिवस भी है और मैंने वहाँ भी सुनाया कि सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ, मोहब्बत मेरी नज़रों में बड़ी शह है मगर सुन लो, मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती हूँ।